हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर मैथ्स क्लास एंड आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास विद द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 15.4। एज यू नो गाइस, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास विद द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज 15.4। ऑलराइट, तो एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 2 जरा देख लीजिए बेटा, कह रहा है कि सॉल्व द ट्राइंगल ए सी बी। आपने ट्राइंगल सॉल्व करना है ए सी बी, जबकि आपके पास मेजर एंगल सी उस ट्राइंगल में कितना है बेटा 90 डिग्री, और क्या कह रहा है कि एंड मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 60 और एक साइड ए गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तो देखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहा है कि ए सी बी एक ट्राइंगल है जिसमें मेजर एंगल सी 90 डिग्री है, और उसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे पार्ट्स हैं। इन सब पार्ट्स में आप अगर आप देखें तो क्वेश्चन में एक एंगल पहले से दे दिया, ठीक है, मेजर एंगल सी 90 डिग्री आएगा, और उसके बाद तमाम पार्ट्स जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इन सब में एक एक एंगल और एक एक साइड गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा जो हमने सॉल्व किया था, उसमें मैंने 5 पार्ट्स आप लोगों को सॉल्व करवाए थे, एक आप लोगों को दिया था सॉल्व करने के लिए। उसमें मैंने 2 कैटेगरीज आप लोगों को समझाई नहीं कि अगर देखें एलिमेंट्स फाइंड करने थे ना, वहाँ पे अननोन एलिमेंट्स फाइंड करने थे किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के, कितने एलिमेंट्स होते हैं 6। अगर 6 में से आपने अननोन एलिमेंट्स फाइंड करने, तो 3 आपको अननोन एलिमेंट्स जो है वो फाइंड करने होते थे, ठीक है, बाकी 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आपको गिवन होते थे। अब 3 अननोन एलिमेंट्स जो फाइंड करने थे, उसमें 2 कैटेगरीज थी, या तो 2 एंगल और एक साइड आपको फाइंड करनी है, ठीक है, या फिर आपने जो है वो 2 साइड और एक एंगल फाइंड करना है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो अननोन एलिमेंट्स जो है, मतलब जो है वो आप लोग फाइंडिंग करते थे। 2 कैटेगरीज थी, 2 साइड एक एंगल या 2 एंगल एक साइड, इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कौन सी कैटेगरी में लाया कर रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 2 एंगल, ठीक है, एक एंगल हर पार्ट में मेंशन है, और एक एंगल पहले से बता दिया कि जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में मेजर एंगल सी 90 डिग्री रहेगा। तो इसका मतलब अगर 2 एंगल आपके पास हो और एक साइड हो, तो बाकी 2 साइड और एक एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोगों को सॉल्व करना आ गया, उसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन अगर आप नहीं रही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी मसला आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत डिटेल में सीखा, बहुत डिटेल में समझा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सही है, क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अब डेवलप हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स में, इतने सारे पार्ट हैं आप लोगों को, मैं सब सारे पार्ट सॉल्व नहीं करूँगा, करके दिखाऊंगा, सारे पार्ट जो हैं वो आप लोगों ने करने, मैं कुछ पार्ट आपको गाइड करूँगा और सॉल्व करके दिखाऊँगा, ताकि जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए। वैसे तो अगर मैं आप लोगों को सिर्फ अभी गाइड भी कर दूँ, तब भी आप इजीली फाइंड कर लेंगे अननोन एलिमेंट्स, मतलब ये ट्राइंगल इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे जितने भी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 साइड्स और एक एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 साइड और एक एंगल फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने जो है वो एक साइड और 2 एंगल जो है वो फाइंड करने होंगे, सही है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आप देखिएगा, आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, ये काम आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 में करके आएँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहले पार्ट में कह रहा है मेजर एंगल बी 60 है और एक साइड ए गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो उसके लिए वैसे तो हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी 2 साइड जो हैं वो आपको फाइंड करनी होंगी, मजीद साइड सी साइड बी, सही है, और एक एंगल मेजर एंगल सी दे दिया 90 डिग्री, मेजर एंगल बी जो है वो यहाँ पे सवाल में बता दिया 60 डिग्री है, तो एक और, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल एंगल होते हैं 3 और एक 90 होगा, तो बाकी दोनों का सम होता है कितना 90, टोटल एंगल तीनों का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। एक 90 एंगल हर पार्ट के लिए 90 एंगल रहेगा, ये मेजर एंगल सी, मेजर एंगल बी 60 है, तो मेजर एंगल ए क्या होगा बेटा 30, ठीक है, वो कैसे निकाला, मेजर एंगल बी को 90 डिग्री में से माइनस करा दें तो आंसर आ जाएगा 30, सही है, और 2 साइड्स यहाँ पे आपको फाइंड करनी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक डायग्राम आपको रेफरेंस के लिए बना के बता रहा हूँ। तो मेरी सजेशन आप लोगों के लिए ये बेटा कि डायग्राम बना के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग गलती का चांस जो है वो आप लोगों के लिए कम हो जाए। तो मैं एक डायग्राम इसके नीचे नहीं साइड में बना रहा हूँ, ठीक है, और उसी डायग्राम में बाकी तमाम पार्ट्स भी बताऊँगा करके। तो आप लोगों ने क्या करना है, हर पार्ट के अकॉर्डिंग अलग डायग्राम बनाइएगा, सही है, उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल की, और उसके बाद डेटा ऑफ सॉल्यूशन की तरफ जाइएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास पहला पार्ट है मेजर एंगल बी 60 है और एक साइड 2 गिवन है, तो ज़रा देखिएगा कि ये ट्राइंगल जो है कैसे फॉर्म होगा।
अब यहाँ पे तीन साइड्स हैं आपके पास, जिसमें से बता दिया कि मेजर एंगल सी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये 90 डिग्री है, तो ये आपके पास साइड सी है। एक साइड को मतलब एक पॉइंट को ए, एक पॉइंट को बी और एक पॉइंट को सी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ए सी बी आपके पास, जिसके अंदर सी जो है मेजर एंगल सी वो है 90 डिग्री, और एक एंगल दे दिया मेजर एंगल बी, वो कितना है बेटा 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे ये बना के बता देंगे कि भाई ये 60 डिग्री का एंगल ये गिवन है। तो दूसरा क्या होगा ऑटोमेटिकली बेटा, आपको पता है क्या है, ऑब्वियसली अगर एक 60 है तो दूसरा क्या होगा 30, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इनकी साइड्स जो है वो आपको पता होती हैं कि भाई पॉइंट ए के अपोजिट साइड जो है स्मॉल ए, पॉइंट सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, और पॉइंट बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, ठीक है। और साइड ए जो है वो गिवन है 2 सेंटीमीटर, साइड ए गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल को सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या है कि आपने ये दो साइड, साइड सी और साइड बी, ये फाइंड करना है। मेजर एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है, और आपने यहाँ पे ये एंगल जो है ये भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे तीन एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो कि अननोन है। तो आपने देखा कि बिल्कुल ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स किए थे बिल्कुल वैसे ही होगा बेटा ये भी सॉल्व। तो इसमें आपने दो साइड और एक एंगल फाइंड करना है, एक एंगल, ठीक है, दो एंगल और एक साइड आपको पता है, मतलब 90 डिग्री 60 और एक साइड साइड ए के बने। तो चलते हैं इसके डाटा की तरफ, डाटा बनाएंगे और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। डेटा की बेटा अगर हम बात करें तो डेटा में आपके पास सबसे पहले जो गिवन है मेजर एंगल सी 90, मेजर एंगल बी 60 और ए इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है कि एक एंगल फाइंड करना है, कौन सा एंगल, मेजर एंगल ए फाइंड करना है, ठीक है, साइड बी एंड साइड सी फाइंड करनी है, सही है। अब आपने देखेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल जो गिवन है इसके ऑपोजिट साइड जो है ये क्या कहलाएगी बेटा, एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये क्या कहलाएगी बेटा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और एंगल ऑन 90 डिग्री जिस साइड में इसको क्या कहेंगे बेटा, बेस। तो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि ये एंगल बी जो है मेजर एंगल बी के गिवन था आपको। अब हम चलते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ, और मेजर एंगल ए सबसे पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैंड डाल देंगे बेटा हम सॉल्यूशन की, और उसके बाद जो फाइंड करना है वो लिख देंगे, क्या फाइंड करना है हमने, मेजर एंगल ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो बेटा मेजर एंगल ए हमने फाइंड करना है, तो मेजर एंगल ए के लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं कि 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल बी, सही। तो इससे मेजर एंगल ए आ जाएगा, मेजर एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 60, तो मेजर एंगल ए आ गया हमारे पास 30, ठीक है बेटा। तो मेजर एंगल ए हमने फाइंड कर लिया और मेजर एंगल ए आ गया हमारे पास 30, ठीक है बेटा। तो मेजर एंगल ए हमने फाइंड कर लिया, अब हम चलते हैं साइड बी और साइड सी की तरफ। तो अब हम जो है वो साइड बी फाइंड करने जा रहे हैं, साइड बी कहाँ है बेटा, परपेंडिकुलर। तो गिवन क्या है, बेस। अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है, ठीक है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर आता हो, सही है। तो इसके लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे बेस और परपेंडिकुलर के लिए बेटा 10 का, सही है। तो जो फाइंड करना है पहले लिख लेंगे, फॉर बी को क्वेश्चन मार्क, साइड बी फाइंड करनी है और साइड बी है परपेंडिकुलर में, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है 10 का। 10 थीटा बराबर है किसके बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बच्चों। तो 10 एज इट इज़,
एंगल जो है वो कौन सा गिवेन है बेटा, जो एंगल गिवेन है उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है परपेंडिकुलर बेस जो है वो मार्क किया हुआ है, तो एंगल जो है वो हम यूज़ करेंगे 60। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर में क्या आपके पास, परपेंडिकुलर की आपके पास साइड बी और बेस क्या है ए। अच्छा बेटा अब हम बात करते हैं साइन 60 की, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है बेटा, रूट थ्री, ठीक है बी एज इट इज, और ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या है बेटा टू, ठीक है। अब ये जो टू नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इससे बी की वैल्यू आ जाएगी, टू उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो टू रूट थ्री, पलट के लिख रहे हैं बी पहले और टू रूट थ्री बाद में, ठीक है बेटा। तो आपको तीसरी साइड मतलब सेकंड साइड जो है, एक साइड पहले से पता थी, दूसरी साइड साइड बी भी आपको पता लग गई और साइड बी आपके पास आ गई टू रूट थ्री, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस तरह से वैल्यू हमने कैलकुलेट की साइड बी की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने जो है वो नेक्स्ट साइड की तरफ, वो नेक्स्ट साइड कौन सी फाइंड करनी है हमने, साइड सी, और साइड सी किस में बेटा, हाइपोटेन्यूज में। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे थर्ड साइड के लिए, और थर्ड साइड सी है तो पाइथागोरस थ्योरम जो है जो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा बेटा, सी का स्क्वायर, बेस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर में क्या है आपके पास बी, तो बी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी टू का स्क्वायर, बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या है बेटा टू रूट थ्री का स्क्वायर। अब ये जब टू का स्क्वायर करेंगे, टू का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा बेटा फोर, और यहाँ पे स्क्वायर टू पे अलग अप्लाई हो जाएगा और रूट थ्री पे अलग अप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट जो है वो बेटा कैंसिल। ये स्क्वायर ब्रेक कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है टू और रूट थ्री, जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे टू पे अलग और रूट थ्री पे अलग स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर प्लस टू का स्क्वायर बेटा फोर, ठीक है स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये थ्री एज इट इज आ जाएगा, फोर थ्री इज़ आर ट्वेल्व, ये फोर बेटा एज इट इज प्लस फोर थ्री इज आर ट्वेल्व एंड फोर प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू सिक्सटीन। अब सिक्सटीन आ गया तो अब क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे अगर हम रूट लें तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सी स्क्वायर पे भी रूट आ जाएगा बेटा और 16 पे भी, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और 16 का अगर हम रूट लें तो 16 का रूट आ जाएगा 4, तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो आपने देखा आपने दो साइड जो हैं वो भी फाइंड कर ली और एक एंगल जो है वो भी फाइंड कर लिया, एंगल भी आ गया और दो साइड भी हमने फाइंड कर ली इजीली, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर टू के सारे पार्ट करने हैं आपने, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर टू का जो पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है इसको जल्दी से कॉपी करें बच्चों, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और इसके अंदर आपके पास 8 पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट एक ही तरह का काम करना है सब में, तो उसमें एक कोई और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद जो है वो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें ज़्यादा पार्ट नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपको बेटा सिर्फ इसी तरह से डायग्राम बनानी है, सी मतलब डायग्राम बनानी, ठीक है, अंदाजे से सब में ऐसे ही ट्राइंगल बनेगा, सही है, ऐसे ही रफली सा ट्राइंगल बनाएं, उसके अंदर वैल्यूज़ बताएं, ठीक है, मैंशन करें ताकि आपके लिए सॉल्यूशन जो है पूरा आसान हो जाए, ठीक है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसी तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम जो इसके बाद सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट है वो पार्ट फोर है, तो पार्ट फोर ज़रा देखिएगा बेटा किस तरह से सॉल्व होगा।
आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब पार्ट फोर की तरफ जा रहे हैं हम सॉल्व करने। अच्छा बेटा, तो ये जो ट्राइंगल है इसको तो मैं रिमूव नहीं कर रहा, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये रिमूव कर दें, क्योंकि ट्राइंगल हम आपने ऐसे ही रफली से ट्राइंगल बनाने और उसके अंदर इसी तरह से वैल्यूज़ बता देनी है, ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, तो चलते हैं पार्ट फोर की तरफ। पार्ट फोर में क्या कह रहा है, मेजर एंगल ए 45 है और जबकि पार्ट एक साइड गिवन है सी 3√2। पार्ट फोर, और पार्ट साइड सी गिवन है, ठीक है बेटा, साइड सी की वैन है 3√2, साइड सी 3√2 और मेजर एंगल ए है 45। अब आपने देखें मेजर एंगल सी की वैन है कितना है बेटा, मेजर एंगल सी 90 डिग्री, मेजर एंगल ए 45 है और सी क्या है 3√2। तो इस डायग्राम में अब देखें मैं कैसे मेंशन करता हूँ, डायग्राम एक ही रहेगी बस, अब हर पार्ट के अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो आपने लेकिन डायग्राम आपने दोबारा बनानी होगी, ये डायग्राम आप इसी के नीचे बनाएंगे फिर डाटा बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो साइड सी गिवन है 3√2 और मेजर एंगल आप देख सकते हैं कौन सा है, ए 45, तो ये एंगल गिवन है 45। अगर ये 45 है तो अंडरस्टूड है ये भी 45 होगा। जब जो दो एंगल सेम होते हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, प्रॉपर्टी भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखें ये दो तीन चीज़ें आपको पता हैं, ये 90 डिग्री है मेजर एंगल सी, मेजर एंगल ए 45 है और साइड सी जो है वो गिवन है 3√2। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है साइड ए साइड बी, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है आपके पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा, एंगल ये गिवन है, इसके सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर और ये साइड क्या हो जाएगी बेटा बेस, एंगल ऑन 90 डिग्री जिस साइड पे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास एंगल 45 होंगे, ठीक है, एक्यूट एंगल 45 के होंगे तो इनके ऑपोजिट साइड भी सेम होगी, मतलब इस 45 के सामने वाली साइड ए है, ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा मेजर एंगल बी भी 45 ही होगा, इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी सेम बराबर होगी। तो मतलब आपने अगर साइड ए फाइंड कर ली तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी साइड भी वही होगी, सही है। तो एक साइड साइड ए फाइंड करें, साइड बी फाइंड करें, ठीक है, क्योंकि इस एंगल के सामने वाली साइड और इस एंगल के सामने वाली साइड ये दोनों क्या होंगी बेटा बराबर होंगी, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल 45 के हैं। तो अगर एंगल सेम होंगे तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं बेटा सेम होती हैं, ठीक है। तो चलते हैं पहले इसका हम डाटा बनाते हैं। और डाटा में क्या गिवन है बेटा, मेजर एंगल सी 90 डिग्री, मेजर एंगल ए बेटा 45, ठीक है, और साइड सी गिवन है 3√2। फाइंड क्या करना है, मेजर एंगल बी फाइंड करना है बेटा साइड ए एंड साइड बी, ठीक है। तो डेटा आपने बना लिया, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्यूशन में जो एंगल फाइंड करना है बेटा वो लिख लेंगे फॉर मेजर एंगल बी इक्वल्स टू इट्स अमाउंट। तो मेजर एंगल बी जो है इसके लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट क्या बनेगी, मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल ए। तो 90 डिग्री में से जो मेजर एंगल ए गिवन है, ठीक है, ये माइनस कर देंगे तो आपके पास दूसरा एक्यूट एंगल मतलब मेजर एंगल बी आ जाएगा। तो मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 45
तो आंसर आ जाएगा आपके पास मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 45। ठीक है भाई, तो आपके पास ये आ गया मेजर एंगल बी, और मेजर एंगल बी के आ गया बेटा ये भी 45। अब दो एंगल अगर सेम, मतलब सेम मींस 45 है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक 45 है तो दूसरा भी क्या होगा 45। तो जब दो एंगल सेम होते हैं तो उन ट्राइंगल में उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं बेटा, सेम होंगी। ठीक है, अगर दो 45 के हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। एक साइड फाइंड करेंगे दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज गिवन है, ठीक है, या तो आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है या आपने बेस फाइंड करना है, कोई एक साइड जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर आपके पास बेस हाइपोटेन्यूज आ रहा हूँ। ठीक है, तो उससे बेस आ जाएगी, बेस आ जाएगी तो आपके पास परपेंडिकुलर सेम हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं जिसके अंदर परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही हो। ठीक है, तो हम कोई भी एक साइड ईजिली फाइंड कर लेते हैं। तो हम एक काम ही करते हैं, साइड बी पहले फाइंड करते हैं। फॉर साइड बी क्वेश्चन मार्क, साइड बी के लिए हम क्या करेंगे, साइड बी कहाँ है, बेस में। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का कौन सा रेशियो है बेटा, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर बेस और हाइपोटेन्यूज आता हो, ठीक है, वो है आपके पास कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिएगा एंगल कौन सा गिवन था 45। ठीक है, तो कॉस 45 इक्वल्स टू बेस क्या है आपके पास बी, और हाइपोटेन्यूज में क्या है आपके पास सी। कॉस 45 की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, 1/√2। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, कॉस 45 इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है बेटा, तो 1/√2 ये cos 45 की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, b एज इट इज c की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू क्या बेटा 3√2। सही है, अब b की वैल्यू चाहिए तो बेटा ये 3√2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको हम लिख लेंगे 3√2 डिवाइडेड बाय √2। राइट साइड पे क्या रह गया बेटा, सिर्फ b, तो √2 से √2 कैंसिल, तो b का आंसर आ गया सिर्फ आपके पास 3। तो साइड b आपने फाइंड कर ली 3, और यूनिट क्या लगा देंगे हम इसके साथ, सेंटीमीटर। अच्छा जी, आपने जैसे ही एक साइड फाइंड की तो बेटा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जब एंगल सेम होंगे तो उनकी ऑपोजिट साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं रेफरेंस देके कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग कंप्लीट लिखिएगा। प्रॉपर्टी क्या है, इफ मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल बी बोथ आर 45 देन साइड्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल और सेम। ठीक है, अगर दो एंगल सेम होंगे 45 हैं दोनों, या दोनों सेम हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन साइड ए एंड साइड बी बोथ आर 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो अगर मेजर एंगल ए और बी दोनों 45 हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड भी सेम होंगी। साइड बी आपने फाइंड कर ली, ठीक है, एक साइड, तो दूसरी साइड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करके वैल्यू डायरेक्ट लिख दी। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने किया पार्ट 4 सॉल्व। एक पार्ट इसका हम और करते हैं, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में
जो है वो क्या करना है वो बाद में देखते हैं, पहले हम आते हैं इसका एक पार्ट और सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ये कॉपी कर लें जल्दी से, ठीक है बेटा, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेने बेटा अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया अब तक तो, फिर नेक्स्ट मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। पार्ट 1 बेटा हमने कर लिया है, पार्ट 4 हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका एक और पार्ट और वो है पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 करते हैं जिसके अंदर आपके पास मेजर एंगल बी 30 डिग्री है और एक साइड बी के बने 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पार्ट 5 करने जा रहे हैं। बाकी किसी भी पार्ट में बेटा आप लोग सॉल्व करिएगा, सारे पार्ट आप लोग ने सॉल्व करने हैं। बाकी किसी भी पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमी आप लोग ने पूछना है, ठीक है। वो कैसे पूछेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, ठीक है। मतलब व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा और ईमेल एड्रेस, आप ईमेल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्यूरी हो रिलेटेड टू द मैथ्स एंड फिज़िक्स तो आप लोग जो है वो ईज़िली जो है वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो आपकी क्यूरीज जो है वो रिजॉल्व हो सकें, आप लोगों को आपका आंसर मिल जाए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 की तरफ। अच्छा बेटा डायग्राम मैंने पूरी रिमूव नहीं की है क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का हमने रफ स्केच हमने बनाने और उसके अंदर जो भी पार्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू गिवन वो लिख देंगे। ये पार्ट सी है, ठीक है बेटा, सॉरी साइड सी। तो हम जो अब नेक्स्ट जो पार्ट करने जा रहे हैं, हमने क्या डिसाइड किया था पार्ट फाइव हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे सॉल्व। तो पार्ट 5 में मेजर एंगल बी 30 डिग्री है और साइड बी गिवन है 3 सेंटीमीटर। मेजर एंगल बी गिवन है 30 डिग्री एंड साइड बी गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो मैं हर मतलब इसमें अंदर कोई ज़्यादा नई वैरायटी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में सारे पार्ट में एक ही तरह का काम है जिसके अंदर आपको एक एंगल मेंशन किया हुआ है, बस एक एंगल और फाइंड करना है और दो साइड फाइंड करनी है। तो एक एंगल फाइंड करना है, दो साइड फाइंड करनी है। एंगल कैसे फाइंड करते हैं, 90 डिग्री में से जो एंगल गिवन है वो माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा, दूसरा एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा एक्यूट एंगल। इसी तरह साइड में एक साइड गिवन है तो आपने सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हुए एक साइड फाइंड करनी है और उसके बाद दूसरी साइड अगर 45 एंगल है तो प्रॉपर्टी यूज़ करके बता दें कि दोनों साइड सेम रहेंगी, या फिर जो है वो हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए तीसरी साइड जो है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर पार्ट 5 जो है वो हमने कॉपी कर लिया है। तो पार्ट 5 में मेजर एंगल बी 30 डिग्री है और साइड बी 3 सेंटीमीटर है, तो मेजर एंगल बी जो है वो कितना है 30। अब ये 30 तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा 60, और साइड बी जो है वो बताई हुई है 3 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स डैट साइड ए ये एंगल एंड साइड सी आपने फाइंड करनी है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूस एंगल के सॉरी एंगल के सामने वाली साइड बेटा परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, ठीक है। तो अब हम आते हैं डाटा की तरफ, डाटा बनाते हैं। आपने क्वेश्चन के नीचे ये वाली डायग्राम पहले बनानी है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक रफ सा ट्रायंगल जो है बना के रफ स्केच और उसके अंदर इस तरह से वैल्यूज पुट कर दी है ताकि आपको पता लग जाए आपने क्या कौन कौन से अननोन एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, ठीक है। डाटा में जो गिवन है वो लिख लेंगे बेटा कि मेजर एंगल
सी 90 डिग्री, मेजर एंगल बी 30 डिग्री और साइड बी जो है 3 सेंटीमीटर। जो फाइंड करना है रिक्वायर्ड जो है वो लिख देंगे, मेजर एंगल ए इक्व टू क्वेश्चन मार्क, साइड ए इक्व टू क्वेश्चन मार्क एंड साइड सी इक्व टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, डेट हमने बना लिया, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। और सॉल्यूशन में जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे कि भाई फॉर मेजर एंगल ए इक्व टू क्वेश्चन मार्क। तो मेजर एंगल ए आपको अगर फाइंड करना है तो मेजर एंगल ए कैसे फाइंड करेंगे बेटा, इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल बी। ठीक है, तो जो भी एंगल गिवन होता है 90 डिग्री में से उसको माइनस कर देते हैं तो दूसरा एंगल जो है अननोन एंगल जो है वो हमें मिल जाएगा। तो मेजर एंगल ए फाइंड करने के लिए 90 डिग्री में से हम मेजर एंगल बी जो कि है 30 डिग्री ये माइनस कराएंगे तो आपके पास मेजर एंगल ए आ जाएगा। कितना है बेटा? 60। ठीक है, मेजर एंगल ए हमें मिल गया और मेजर एंगल ए क्या है बेटा? 60 डिग्री। ठीक है, अब दो साइड्स फाइंड करनी है, एक साइड गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूस और बेस में से कोई एक साइड फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे ऐसा पहले जो है वो फाइंड कर लेते हैं, साइड ए फाइंड कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है अगर साइड ए फाइंड करने जा रहे हैं जिसके अंदर, क्योंकि जो साइड गिवन है वो तो लेनी है। सो ये कौन सी साइड गिवन है? परपेंडिकुलर। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर आता हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? 10। सही है, तो सबसे पहले जो फाइंड करना है वो लिख देंगे फॉर साइड ए क्वेश्चन कुछ समा। उसके लिए हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करने जा रहे हैं जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर आता है वो है 10 बीटा, 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब साइड सी पहले फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस लेके। ठीक है, लेकिन हम पहले 10 थीटा का रिलेशन यूज़ करके जो है वो यहाँ पे साइड ए फाइंड कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल जो कि गिवन है, हम यहाँ पे मेजर एंगल बी भी लिख सकते हैं लेकिन जो एंगल गिवन है डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर दें। 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा बेटा? बी। और बेस की जगह क्या आ जाएगा? ए। परपेंडिकुलर की जगह बी और बेस की जगह क्या आ जाएगा बेटा? ए। अब नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और फिर बता देंगे कि भाई 10 30 जो है वो बराबर होता है किसके? 1/√3 के। ठीक है, और वैल्यू पुट करते हैं 10 30 की जगह 1/√3, बी की जगह आ जाएगा बेटा 3 और ए एज इट इज़। ठीक है, ए आपको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ए नीचे डिवाइड हो रहा ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई, √3 नीचे डिवाइड हो रहा ऊपर ले जाके 3 से मल्टीप्लाई। तो अब ज़रा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए इक्वल्स टू 3√3। ठीक है बेटा, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि भाई जो साइड ए है वो आपको मिल गई है, वो क्या है आपके पास? 3√3। तो साइड ए जैसे ही पता लग गई 3√3, सही है, और साइड बी आपको पता है, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके तीसरी साइड जो है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, या हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं तीसरी साइड। ठीक है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि दो साइड हमें पता लग गई है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर बेस और हाइपोटेन्यूस आता हो, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आता हो, कोई भी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके हम तीसरी साइड जो है फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने पार्ट वन किया था उसके अंदर भी यही काम किया था, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमने जो है एक साइड फाइंड की थी। तो अब हम जो है साइड फाइंड करने जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको जो है वो साइड फाइंड करके दिखाता हूँ जो है इंस्टेड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में आप हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इस तरह से भी जो है वो साइड फाइंड कर सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ कर लेते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आता हो? बेस और हाइपोटेन्यूस से भी आप इजीली जो है वो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके जो साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं बिल्कुल इसी तरह से फाइंड करनी होगी। तो चलते हैं, साइड सी की वैल्यू फाइंड करने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें, ठीक है, बेस और हाइपोटेनियस वाला भी या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कोई भी, क्योंकि दोनों साइड्स पता है, एक अननोन लेनी है, ये वाली साइड साइड सी लेनी है। तो उसके लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कौन सा रिलेशन है जिसके अंदर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आता है, आपके पास साइन का। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन जो है एंगल आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, कौन सा एंगल है जो गिवेन है 30, परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा बेटा बी, और हाइपोटेनियस की जगह सी। नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो साइन 30 रेफरेंस दे देंगे यहाँ पे साइड में कि साइन 30 बराबर है बेटा 1/2 के, ठीक है, और साइड बी जो है वो किसके बराबर है 3 सेंटीमीटर के। चलें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो साइन 30 की जगह आपके पास एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, साइन 30 की जगह वैल्यू आ जाएगी 1/2, और बी जो है वो 3 है और सी जो है वो एज इट इज़। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सी नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। तो सी जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सी इक्वल्स टू सी, और 2 जब जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा 2, 3, 6 यूनिट है सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई क्या बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे जो है वो साइड सी फाइंड की है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसको कॉपी करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट सॉल्व किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने अभी सॉल्व किया है इसके अंदर क्या, कौन सी वैरायटी थी, इसके अंदर था आपके पास एक एंगल मेंशन किया हुआ था और एक साइड, ठीक है, और एक दो एंगल समझ लें यहाँ पे गिवन थे और एक साइड गिवन थी। तो आपने दो साइड और एक एंगल फाइंड करने थे, ठीक है, एक एंगल और आपने दो साइड जो हैं वो फाइंड करनी थी करनी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 की में आपने करना ये होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने दो एंगल और एक साइड फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सॉल्व द ट्रायंगल एबीसी व्हेन मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड तो दो साइड गिवन है, ठीक है, और एक एंगल मेजर एंगल सी गिवन है, तो इसका मतलब आपने एक साइड और दो एंगल जो है वो यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके भी ज़्यादा पार्ट कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो है वो यहाँ पे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेट करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, ठीक है। उसी और क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम के अकॉर्डिंग, डायग्राम में सारी चीज़ें मेंशन थी, यहाँ पे आपको वर्डिंग में गिवन है, तो उसके लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ रहा है, ठीक है। चलें जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन है उसकी वर्डिंग यही है, तो इस वजह से हम सिर्फ नंबर चेंज करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में भी कह रहा है कि मेजर एंगल आप क्या करें, ट्राइंगल सॉल्व करें जो है ट्राइंगल ए सी बी, और जिसके अंदर मेजर एंगल सी जो है बेटा वो 90 डिग्री है। बाकी पार्ट जो है पार्ट वन में कह रहा है कि एक साइड सी है 10√2 और साइड ए है 10 सेंटीमीटर। साइड सी है 10√2 सेंटीमीटर एंड साइड बी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी साइड ए है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको दो साइड गिवन है, साइड सी एंड साइड ए, और अब आपने फाइंड क्या करना है, एक साइड फाइंड करनी है साइड बी, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल ए सी बी है ना, तो उनकी साइड भी क्या होंगी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो साइड दो गिवन है, एक साइड फाइंड करनी है और आपने दो एंगल, मेजर एंगल सी दे दिया, दो एक्यूट एंगल आपने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी डायग्राम मैं यही बनाता हूँ, देखिएगा, जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर टू में बता रहा था कि आप लोग पहले डायग्राम बनाए, मैंने एक डायग्राम वहाँ पे बनाई हुई थी, सारी वैल्यू सी में चेंज की, ठीक है, हर पार्ट के अकॉर्डिंग, तो वो एक अलग डायग्राम बन गई। तो आपने जो है वो डायग्राम जो है वो क्वेश्चन जैसे किया, आपने क्वेश्चन लिखा तो नीचे डायग्राम बनाए, ठीक है, ताकि उसके अंदर चीज़ें मेंशन कर सकें, तो इससे डाटा बनाना आपका आसान हो जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तीन साइड है ए सी बी, तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए बी सी तीन पॉइंट्स, तो ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, सी पॉइंट के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी। अब इस पार्ट में दो साइड के मैंने सी और ए, सी है आपके पास 10√2 और ए है 10 सेंटीमीटर, और मेजर एंगल सी जो है वो बता दिया कितना है 90 डिग्री। फाइंड क्या करना है, आपने दोनों एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है, और ये वाली साइड फाइंड करनी है। अब जब दो एंगल फाइंड करने हैं और दो साइड गिवन है, दो एंगल फाइंड करने हैं और एक साइड फाइंड करनी है। अब जब दो एंगल फाइंड करने हैं, किसी भी एक एंगल को बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। तो बेटा 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही कहलाएगी, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस मेंशन करने के लिए आपको एंगल कंसिडर करना पड़ता है। अगर ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, अगर ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हम एक काम ही करते हैं, हम ये एंगल जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें मैं शेड कर रहा हूँ, ये एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट साइड, इस एंगल के ऑपोजिट साइड जो है वो क्या कहलाएगी बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और एंगल ऑन 90 डिग्री जिस साइड में उसको हम क्या कहते हैं, बेस। अब आपका जैसे ही डायग्राम कंप्लीट हो गई तो हम चलते हैं डाटा की तरफ, डाटा बनाते हैं। डाटा में जो चीज़ें गिवेन है वो लिख लेंगे। सबसे पहले मेजर एंगल सी पता है 90 डिग्री है, ठीक है बेटा, और एक साइड ए है 10 सेंटीमीटर, साइड सी है 10√2 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है, मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी एंड साइड बी, ठीक है बेटा। तो डाटा बना लिया, डायग्राम आपने बनाई, ठीक है, तो हर पार्ट में अलग डायग्राम बनेगी। इसी तरह से एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपने मेंशन करना है, जो चीज़ें गिवन वो लिखेंगे ताकि अननोन एलिमेंट्स आप इजीली फाइंड कर सकें, और उसके बाद जो है वो आपने इसका डाटा बनाना है। डाटा के बाद हम चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बेटा, और सॉल्यूशन में सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, साइड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि तीन साइड जो है हमारे पास आ जाएं, फिर इसके बाद फिर एंगल फाइंड कर लेंगे। दो साइड गिवन है ना, तीसरी साइड इजीली आ जाएगी, किससे, तीसरी साइड, जब दो साइड गिवन होती है तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो साइड कौन सी फाइंड करनी है बेटा, बी, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर बी कोई, ठीक है बेटा। तो जब दो साइड्स गिवन हो, सही है, तो तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और कोई एंगल नहीं गिवेन हो,
सही है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे। लेकिन कोई एंगल गिवन होता तो हम एंगल की मदद से भी तीसरी साइड इजीली फाइंड कर सकते थे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है उसका रेफरेंस देंगे कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स सी का स्क्वायर, बेस मीन्स सॉरी बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स ए का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपने बी फाइंड करना है। तो बी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे भेज के माइनस कर देते हैं, राइट साइड पे क्या बच गया बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आगे क्या हो गया बेटा, माइनस बी स्क्वायर बच गया। तो अब ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगी, बी स्क्वायर पलट के लिख लें इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, सी की जगह उसकी वैल्यू टेन रूट टू का स्क्वायर, ए की जगह उसकी वैल्यू मतलब टेन का स्क्वायर। ये स्क्वायर बेटा टेन पे आएगा और रूट टू पे अलग आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म में अलग अलग स्क्वायर अप्लाई हो गया, और टेन का स्क्वायर क्या हो गया बेटा हंड्रेड, बीच में है माइनस का साइन। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू टेन का स्क्वायर हंड्रेड, यहाँ पे बेटा स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा टू माइनस हंड्रेड। हंड्रेड को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा टू हंड्रेड। टू हंड्रेड में से हंड्रेड को माइनस करें, आंसर आ जाएगा बेटा हंड्रेड। अब क्या करना है, बी स्क्वायर है, बी चाहिए, तो उसके लिए आप रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे जब हम रूट लेंगे, ठीक है, तो देखिएगा किस तरह से बन जाएगी स्टेटमेंट। बी स्क्वायर इक्वल्स टू हंड्रेड, ठीक है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, और 100 का रूट क्या होता है 10, और यूनिट किया गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने देखा कि साइड बी हमने फाइंड कर ली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और साइड बी भी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर और बेस, साइड ए और साइड बी दोनों 10 10 सेंटीमीटर है, तो आपको फौरन एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए, जब दो ऑपोजिट साइड सेम होंगी तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। बात समझ में आई, इससे पहले भी पढ़ा ना कि अगर जो दो एंगल सेम होंगे तो उनके ऑपोजिट साइड भी सेम होंगी, जब ऑपोजिट साइड सेम होंगी तो बेटा ऑपोजिट एंगल भी सेम होंगे। तो एंगल क्या होने चाहिए 45 45, ठीक है, दोनों एंगल क्या होने चाहिए 45 45। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेजर करेंगे, ठीक है, प्रॉपर मेजर करेंगे, मेजर करके लिखेंगे एंगल यहाँ पे, ताकि आप लोगों को बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकें और आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आपने एक साइड फाइंड कर ली जो कि फाइंड करनी थी, ठीक है, तो साइड बी जो है वो आपको पता लग गई है, साइड बी 10 सेंटीमीटर, सही 10 सेंटीमीटर, ये पॉइंट सी। तो अब आपने दो एंगल फाइंड करने हैं, मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी। तो पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं मेजर एंगल ए, तो जो फाइंड करना है यहाँ पे लिख देंगे फॉर मेजर एंगल ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मेजर एंगल ए के लिए आप देखें एंगल ये वाला फाइंड करना है, सही है, ये एंगल कंसीडर किया हुआ है, तो मेजर एंगल ए फाइंड करना है। तो इस एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यही एंगल हमने कंसीडर किया हुआ है। तो अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें जिसके अंदर बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर बेस, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर बेस और हाइपोटेन्यूज आता हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं कॉस।
आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि तीनों साइड्स पता हैं, ठीक है, तीनों साइड पता हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन कोई भी यूज़ कर लें। हमने अभी क्या डिसाइड किया, हम कॉस का यूज़ करने जा रहे हैं, आप भले टेन का करें, आप साइन का करें, क्योंकि तीनों साइड्स जो हैं वो मेंशन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले काम ये करते हैं, हम टेन का जो है फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि भाई टेन थीटा बराबर है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं, साइन कॉस टेन सही है, तो हमने टेन का यूज़ कर लिया, तो टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में है ए और बेस में है बी, और एंगल की जगह क्या आ जाएगा, मेजर एंगल ए, परपेंडिकुलर में क्या है बेटा ए, बेस में है बी, तो टेन मेजर एंगल ए, टेन ए की जगह आ जाएगा टेन, और बी भी क्या है टेन, तो टेन से टेन कैंसिल, आंसर आ जाएगा वन, तो मेजर टेन मेजर एंगल ए इक्वल्स टू वन। यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है, फ़ौरन आपको याद आया होगा क्वेश्चन नंबर वन में भी हमने कुछ ऐसे ही किया था कि सॉल्व करते हुए आए टेन मेजर एंगल ए इक्वल्स टू वन। अब आपको ये बताना है एंगल, ठीक है, टेन को उधर भेज के इन्वर्स कर सकते हैं, लेकिन टेन इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होगा जो कि अलाउ नहीं है मैट्रिक में, तो इस वजह से आप क्या करते हैं मैनुअल कैलकुलेशन कि टेन एंगल की जगह मेजर एंगल ए, क्योंकि मेजर एंगल ए फाइंड करना है वन, तो अब टेन की वैल्यू वन कौन से एंगल पे होगी, वो एंगल होगा यहाँ पे मेजर एंगल ए, तो उसके लिए आपको फौरन टेबल याद होना चाहिए कि टेन की वैल्यू वन कहाँ कौन से एंगल पे होती है, थर्टी पे होती है, फोर्टी फाइव पे होती है, सिक्सटी पे होती है, ठीक है। तो आपके माइंड में आएगा कि भाई थर्टी पे वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है, फोर्टी फाइव पे वैल्यू होती है वन, और सिक्सटी पे होती है रूट थ्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टेन की वैल्यू वन कहाँ पे होती है, टेन जब 45 हो, टेन 45 होगा तो एंगल 1 होती है, तो यहाँ पे आपने रेफरेंस देना है कि टेन 45 बराबर होता है 1 के, तो अब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, कंपेयर करा के यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कि भाई मेजर एंगल ए जो है वो आपके पास कितना है बेटा 45। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक अगर 45 होगा एंगल तो दूसरा भी क्या होगा 45। ये हमें पहले कैसे पता लग गया था, क्योंकि साइड सेम आ गई, जैसी साइड सेम आ गई हमने बोल दिया दोनों क्या होंगे 45। तो अब ये एंगल मैंने फाइंड कर लिया, अब ये एंगल भी फाइंड कर लेते हैं, सही। अच्छा बेटा, जैसे ही हम अब इस एंगल पे आएंगे फाइंड करने के लिए, तो जब एंगल अब ये फाइंड कर रहे हैं, जब एंगल चेंज होगा तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस जो हैं ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम ये वाला एंगल, ठीक है, मेजर एंगल बी फाइंड कर रहे हैं, तो अब ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे। अब जब ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो अब इस एंगल के ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और एंगल ऑन 90 डिग्री जिस साइड पे उसको क्या कहेंगे, बेस। तो एंगल के चेंज होने से परपेंडिकुलर बेस जो है वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो ये एंगल हमने कंसीडर करके तो कैलकुलेशन कर ली थी, लेकिन अब इस एंगल की बारी है मेजर एंगल बी। तो जब मेजर एंगल बी आप फाइंड करेंगे, वैसे तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो है वो आपने इसको फाइंड करके भी बताना। अब मेजर एंगल बी फाइंड करने जा रहे हैं, जब ये वाला एंगल कंसीडर किया तो अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तीनों साइड्स पता हैं, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूस भी पता है, हाइपोटेन्यूस ये साइड चेंज नहीं होती। जब तीन साइड्स पता हैं, ये एंगल फाइंड करना है मेजर एंगल बी, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं, साइन कॉस टेन, तो हम यहाँ पे साइन का रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, तो साइन का रिलेशन यूज़ कर लेते हैं, कॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो फाइंड करना है हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा फॉर मेजर एंगल बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मेजर एंगल बी फाइंड करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ कर लेते हैं, वो पहले टेन का किया था तो साइन का कर लेते हैं, कि साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं कि साइन मेजर एंगल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू बी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस की जगह हाइपोटेन्यूस की वैल्यू सी आ जाएगी। तो बी और सी पुट करने के बजाय डायरेक्ट हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर की जगह टेन और हाइपोटेन्यूस की जगह टेन रूट टू, परपेंडिकुलर की जगह टेन और हाइपोटेन्यूस की जगह टेन रूट टू।
10 से 10 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, तो साइन मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2, ये आ रहा है। अब साइन को उधर भेज के मेजर एंगल बी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो उस वजह से हम क्या करेंगे, साइन का टेबल फौरन याद करेंगे कि साइन के टेबल में साइन की जो वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कब होता है, जब मतलब साइन कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, साइन 30 पे, 45 पे, 60 पे, फौरन आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि साइन 45 बराबर होता है 1 अपॉन रूट 2 के। तो यहाँ पे फिर आप उसका रेफरेंस देंगे कि साइन 45 बराबर होता है 1 अपॉन रूट 2 के। फिर इन दोनों को जब कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर करा के आपको मेजर एंगल बी की वैल्यू मिल जाएगी 45, ठीक है, कि भाई साइन 45 बराबर है 1 अपॉन रूट 2 के और मेजर एंगल बी बराबर है 1 अपॉन रूट 2 के, तो इसका मतलब मेजर एंगल बी क्या है, 45 है, ठीक है। तो आपने ये दोनों एंगल जो है फाइंड कर लिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको कॉपी करें, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं आगे फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपने देखा कि भाई आपको एक साइड फाइंड करनी है और दो एंगल, तो ये पार्ट मैंने जिस तरह से किया है बाकी तमाम पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके मजीद में पार्ट नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि सब में एक ही काम करना है, डायग्राम बनाएंगे, दो एंगल्स हमें फाइंड करने होंगे, दो साइड्स गिवन होंगी, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी रिमेनिंग जितने भी 7 पार्ट्स हैं उन सब में क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के फर्स्ट जो साइड अननोन है वो साइड फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से ही, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस यूज़, जब तीन साइड्स आ जाएंगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी यूज़ करें, बस एंगल ज़रा देखिएगा, मेजर एंगल ए अगर यूज़ कर रहे हैं ये तो ये परपेंडिकुलर और ये सॉरी मेजर एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, जब मेजर एंगल ए यूज़ करेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कर देंगे, या मेजर एंगल बी ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये रखा आपने, ये रखा परपेंडिकुलर ये वाली साइड और बेस को यहाँ पे रखा, ठीक है। जब मेजर एंगल बी यूज़ फाइंड कर रहे होंगे तो परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करेंगे, जैसे ही एंगल चेंज होगा बेटा तो परपेंडिकुलर और बेस ये दो साइड्स इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने एंगल फाइंड करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, तो इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होगी, अगर होती है तो आप लोग जो है आपको पता है आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपना सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, चेक करवा सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्यूरी हो तो मैं जो है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 15.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ठीक है, आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, तो उसमें एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x प्लस 8 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका डायगोनल x प्लस 8 मीटर है एंड द साइड्स आर x मीटर एंड x प्लस 4 मीटर, और उसकी दो साइड्स हैं, एक x है और एक x प्लस 4 है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x आपने जो है वो फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आप लोग बेटा लिख लीजिएगा, बता रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड उसमें जो डायगोनल की वैल्यू बताई हुई है वो है x प्लस 8 मीटर, ठीक है बेटा, जो डायगोनल की वैल्यू बताई हुई है, डायगोनल क्या बताया हुआ है, x प्लस 8 मीटर। तो जब रेक्टेंगल को
एक डायगनल से कट करते हैं तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है। और उसने बताया हुआ है कि भाई डायगनल की दो साइड ना, एक x है और एक x प्लस फोर है, एक x प्लस फोर है और एक x मीटर है, ठीक है बेटा। तो दो साइड्स हैं, एक को हमने x प्लस फोर और एक को हमने x कंसीडर कर लिया। अब डायगनल x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप देखें तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये आपको कैसे मिल गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, डायगनल को अगर मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड को अगर हम उसके डायगनल से कट कर दें तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है जिसके अंदर दो एंगल होते हैं, ठीक है। हम ये वाला एंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कोई एक एंगल ये है बेटा और एक एंगल ये है, दो एक्यूट एंगल होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। तो तीन साइड्स ये जो हैं वो यहाँ पर गिवेन है। तो आपने जो है वो करना क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन ज़रा देखिएगा। हम सीधा सीधा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन देखिएगा कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। किसी भी एक साइड को देखें, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी बेटा, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, ये परपेंडिकुलर है। और एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे, ये क्या है, बेस, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, हाइपोटेन्यूज की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, याद रहे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख सकते हैं फॉर एक्स इक्वल्स टू कुछ समा, जी बेटा हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस एट का स्क्वायर। बेस की जगह क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, x प्लस फोर का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो x प्लस एट का होल स्क्वायर, x प्लस फोर का होल स्क्वायर, दोनों जगह यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों जगह फॉर्मूला ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स बना लेते हैं पहले, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट साइड पे यहाँ पे भी फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और राइट और एंड में एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ये जो ब्रैकेट्स बनाए हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे एक्स प्लस एट का फॉर्मूला ओपन करना है। तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे बेटा, x पुट कर देंगे। और जहाँ जहाँ b आ रहा है, b की जगह क्या पुट करेंगे, 8, सही है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन होगा x प्लस फोर के होल स्क्वायर का इन ब्रैकेट्स में। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है मतलब वो क्या है, a, तो a की जगह क्या आ जाएगा बेटा, x। और जहाँ जहाँ b है तो b की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 4। अब इनको कर लेते हैं सॉल्व, जी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस टू को x और 8 से मल्टीप्लाई करना है, 2 8 16 16x और ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 4 जो 8 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16 और एंड में x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64, राइट साइड पे ये दो टर्म जो हैं इनको ऐड करा दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 16, ठीक है। अब करना ये है कि हमने एक तरफ ले जाने हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ को राइट साइड पे शिफ्ट करा देना है। तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो, टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 16, ठीक है। राइट साइड वाली वैल्यू पहले से लिखी हुई थी, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जब राइट साइड पे जाएंगी तो एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, प्लस 16x इधर आके माइनस 16x, प्लस 64 इधर आके माइनस 64, सही। अब इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे कैसे, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस एट एक्स माइनस 16x क्या आ जाएगा बेटा, माइनस
8x एक्स प्लस 16 माइनस 64, ठीक है। तो यहाँ पे 64 में से आपने क्या करना है, 16 को माइनस कर दें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 16 में से, सॉरी 64 में से 16 को माइनस करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 48, ठीक है। अच्छा जी, इन सब को सॉल्व कर लिया, आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इनको पलट के लिख लेंगे, x आपने फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब इनके बनाएंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 5 आपको याद आ गया होगा। फैक्टर्स बनाने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया माइनस 48x स्क्वायर, और बीच वाली टर्म को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, ठीक है, और प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली टर्म आए, माइनस 8x है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 48 का, ताकि हम इजीली फैक्टर बना सकें। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 2 12, 2 6, 2 3 एंड 3 1। तो इनके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 4 और 12, ठीक है, कैसे, 2 2 ज़ा 4, सही है, तो 4 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो 4 और 12 हमने दो फैक्टर्स ये अज्यूम किए, देखते हैं कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 48 आता है, और 12 और 4 इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा -8। तो 12 और 4 ये दो हमारे पास फैक्टर्स हमारे पास आ गए। तो चलते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, माइनस 8x को एज इट इज़ रहने दें, माइनस 8x को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, 12 और 4 दो फैक्टर्स हमने बना लिए कि प्लस या माइनस करें तो माइनस 8x आ जाए। तो इसको हम ब्रेक करेंगे माइनस 12x प्लस 4x में, ठीक है। माइनस 12x और प्लस 4x में क्यों ब्रेक किया, कि माइनस प्लस माइनस, 12x में से 4x को माइनस करें माइनस 8x आ जाएगा, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, 12x को 4x से मल्टीप्लाई करें माइनस 48x स्क्वायर आ रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमने फैक्टर्स बनाए। तो अब करना क्या होता है कि फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म, इनमें से हम जो भी एलिमेंट सेम होते हैं कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से सिर्फ x सेम है, तो x माइनस 12 आ जाएगा फैक्टर एक। इन दोनों में से x को कॉमन लिए तो अंदर क्या बच गया ब्रैकेट के, x और यहाँ पे माइनस 12। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ 4, 4 कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा बेटा, x माइनस 12। और आपको पता है मिडिल टर्म ब्रेक में दोनों ब्रैकेट क्या होते हैं, सेम। तो x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन ले लें तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको आगे आपको फर्दर पता होगा कि आइदर और करके हम इसको करते हैं सॉल्व। एक जगह ले लेते हैं x माइनस 12 इक्वल टू 0, और एक जगह ले लेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस 12 को राइट साइड पे भेज के प्लस 12, x इक्वल टू 12, और प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, एक्स इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है बेटा। तो x की दो आपने जो है वो फाइंड कर ली हैं, ठीक है, वैल्यूज़ x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू माइनस 4। कोई एक वैल्यू अंडरस्टूड होगी, नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती यहाँ पे आपके पास, क्योंकि साइड्स है ना, ठीक है। साइड्स मतलब डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, और वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आप ये वैल्यू निगलेक्ट करा सकते हैं, ठीक है, एंड में आप रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये वैल्यू हम निगलेक्ट करा रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, अंडरस्टूड है एक्स की वैल्यू क्या है, 12। तो इसका मतलब ये आपके पास आंसर आ गया। आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, और यहाँ पे लाके छोड़ देना, अंडरस्टूड है एक्स की वैल्यू निगलेक्ट हो रही है क्योंकि नेगेटिव है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, साइड्स नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ तक आके जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया सॉल्व। जल्दी से इसको कॉपी करें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से।
तो फिर हम चलते हैं, क्लास को एंड करते हैं 15.4 यहाँ तक आके हमने बेटा एक्सरसाइज कर दिया है एंड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हमारी मुलाकात होगी, तो हमें उसमें जो है 15.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। 15.4 के अंदर किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के किसी भी पार्ट में बेटा कोई भी मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। और जाते जाते बेटा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। और ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि जैसे ही नया लेक्चर न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो लेक्चर ज़रूर लाइक भी किया करें, फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।